आपको अगर फेसबुक की रील वायरल करनी है ना, तो बहुत ही इजी तरीका है फेसबुक की रील वायरल करने का। आपको रील पे जाना है और कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है आपको, जो आपके खुद की वीडियोस हो। जैसे कि मैंने ये वीडियो सिलेक्ट कर ली मेरी, ठीक है। इस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। बड़े भाई ने आज तक ये वाली बात मुझे क्यों नहीं। नेक्स्ट करने के बाद आपको इस पे जाना है। अब यहाँ पर ही खेल चालू होता है, असली खेल चालू है। जैसे कि आपको वीडियो का टाइटल देना, कुछ भी, जैसे कि मैंने दे दिया, ठीक है। इसके बाद आपको स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद जो आपको हैशटैग डालना है, बता दूँ, हैशटैग आपको डालना है फेसबुक रील्स, ठीक है। पहला हैशटैग डालना है, दूसरा डालना है आपको वायरल रील्स, और तीसरा आपको डालना है ट्रेंडिंग रील्स, ठीक है। उसके बाद अब आपको इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। मैं तो नहीं करूँगा, मैंने पहले ही कर दिया अपलोड। और अपलोड करने के बाद आपको जैसे मैंने रील अपलोड कर रखी है, अपलोड करने के बाद आपको शेयर के बटन पर जाना है। अरे अश्विन अंदर को डालिए, कटा के अंदर को। अरे विराट कोहली सामने से डन, उसका घड़ी उधर, तेरा ध्यान ना रहता। शेयर के बटन पर आने के, जितने भी ग्रुप आपने फ्री पब्लिक ग्रुप है उस पर आपको शेयर कर देनी है वीडियो, और अपने ही ग्रुप पर, अपने ही ग्रुप या फिर कुछ भी चीज़ आपने रखी है उस पर शेयर करनी है, और यहाँ से व्हाट्सएप पे सबको शेयर कर देनी है, ठीक है। और ये स्टोरी लगा देनी है आपको, आपको स्टोरी लगा देनी है। स्टोरी लगा देंगे आपको बेनिफिट मिलेगा बहुत ज़्यादा। और हमारी बहू के लिए रास्ता छोड़ो साक्षी। जिस तरीके से आपको शॉर्ट्स वायरल करने में दिक्कत आती है और दृश्य वायरल करने में दिक्कत आती है, मगर इस चीज़ को आपको वायरल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिथम अभी स्टार्ट हुआ है। आप बहुत ही ईजी तरीके से रील्स को वायरल कर सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, दोबारा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।